गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि किसी भी बाइक को बिना किक या बिना सेल्फ के कैसे हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैक्सिमम बाइक्स में आपको पता है कि आजकल किक नहीं दी जाती है, ओनली सेल्फ प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर बीच रास्ते में आपकी बाइक खड़ी हो गई है और वो सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही है और आपके पास कोई आदमी भी नहीं है हेल्प करने के लिए, तो हम उस बाइक को कैसे स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो में वो कवर करेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो कई बार सिचुएशन हो जाती है कि हमारी बाइक सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही है, किक से भी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो हमको क्या है, लोगों से मदद लेनी पड़ती है, धक्का लगवाना पड़ता है, तभी हमारी बाइक स्टार्ट होती है गियर में डाल के। तो अभी हम बात करेंगे कि बिना किसी की हेल्प लिए हम अपनी बाइक को कैसे स्टार्ट करेंगे। उसमें भी हम वही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे गियर वाला, हमारी बाइक को हम गियर में लगा देंगे। तो जैसा कि मेरे पास ये बुलेट है तो इसमें 5 गियर्स हैं, अगर आपकी गाड़ी 4 गियर की है तो हम उसको सेकंड गियर में लगा देंगे, और जैसा कि मेरे पास 5 गियर वाली गाड़ी है तो हम इसको 3rd गियर में लगा देंगे। इसको हम सेंटर स्टैंड के ऊपर इस तरह से हम खड़ा कर देंगे। इस बाइक को सेंटर स्टैंड पे खड़ा करने के बाद हमें क्या करना है, बाइक में गियर लगा देना है। गियर लगाने के बाद इग्निशन लगा देना है चाबी, और फिर हमें इस टायर को हमें पुल करना है, तो हमारी बाइक बहुत ही इजीली स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं आपको इसका डेमो भी दिखाऊंगा। इसमें जैसा कि ये बुलेट है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर वहीं आपकी कम सीसी वाली बाइक है तो उसमें बहुत कम आपका जोर लगेगा और आपकी बाइक बहुत ही इजीली स्टार्ट हो जाएगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। अगर सबसे पहले चाबी लगा लेनी है, 3rd गियर में बाइक डाल देनी है, पीछे दिखाई दे, ठीक है।